यूं तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, क्योंकि उनको अनेक बार रौद्र रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए कई बार रौद्र रूप धारण किया है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें शिव भगवान को एक असुर से बचने के लिए छुपना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, ये है रवि राजपूत फैक्ट्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार किंवदंतियों दंतियों में भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। उस समय एक भस्मासुर नाम का असुर हुआ करता था। भस्मासुर ने वर पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने शिव से कहा कि मैं जिस पर भी हाथ रख दूँ वह उसी समय भस्म हो जाए, ये वर मुझे चाहिए। भगवान शिव ने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद भस्मासुर को अहंकार आ गया और उसने देवताओं ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे सभी देवता घबरा गए और उनका वध करने की योजना तैयार करने लगे। इसके लिए नारद मुनि ने भस्मासुर को अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए उससे कहा कि वह इतना अति बलवान है, उसके पास पार्वती जैसी सुंदरी होनी चाहिए। इससे भस्मासुर के मन में पार्वती को पाने की लालसा जाग उठी। इसके बाद भस्मासुर पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव के पीछे भागने लगा। अपने वरदान की वजह से भगवान शिव भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और एक गुप्त स्थान पर छिप गए। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि महादेव संकट में हैं, तो उन्होंने पार्वती का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर को अपने चुंगल में फंसाने के लिए उसके साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसी तरह भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु ने शिव की रक्षा की थी। आज इस गुफा को गुप्ता धाम के नाम से भी जाना जाता है। भस्मासुर का असली नाम वृकासुर था, यह शकुनी का पुत्र था। इसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। इस कथा से यह पता चलता है कि शिव जी बड़े ही भोले और शीघ्र प्रसन्न होते हैं, चाहे इससे वे कठिनाई में ही ना पड़ जाएं। इस वृकासुर ने केदार क्षेत्र में जाकर एक अग्निकुंड बनाया। उस अग्निकुंड को शिव जी का मुख मानकर उसने प्रतिदिन अपना मांस काटकर हवन करने लगा। 6 दिन हो गए पर शिव जी प्रकट नहीं हुए। 7वें दिन अपना सिर ही काटकर जो ही आग में डालने लगा, तो ही शिव जी ने प्रकट होकर उसका हाथ रोक लिया। शिव जी के सफर से उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया। शिव जी ने तब उससे कहा कि मैं केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, मांगो क्या वर मांगते हो। इस पर उसने यह वर मांग लिया। दोस्तों, कहा जा